सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, पर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। आज का पंचांग 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मघ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:41 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंदों चाहे बच्चे हो या बूढ़े उनकी मदद करें। ऐसा करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। यात्रा जैसे कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। पत्र ईमेल द्वारा प्रभावी ढंग से संवाद करने या वार्तालाप करते समय सावधान रहें। छोटे भाई के बारे में कोई चिंता आपको तनाव दे सकती है। किन्हीं ऐसी गतिविधियों में जाएं जो आपको खुशी दे, जैसे कोई कॉन्सर्ट या शो। इस क्षण का आकर्षण आपको दुष्टों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रयासों के कारण आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब आनंदित होने का समय आ गया है। इनके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उत्साह का होना ही सफलता प्राप्त करने का मुख्य रहस्य है। परिवार के साथ घर को सजाने संवारने हेतु खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी विशेष उपस्थिति रहेगी। कुछ समय अपनी रुचि अपने कार्यों में व्यतीत करने से सुकून और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना ना करें, ऐसा करने से आपको नकारात्मक महसूस हो सकता है, लेकिन नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करें। आप खुद की स्थिति को बदलने के लिए योग्य मार्ग भी ढूंढ पाएंगे। खुद को आत्मनिर्भर बनाने का जज्बा बढ़ सकता है। युवाओं को योग्य लोगों का साथ मिलने की वजह से करियर को सही दिशा मिल सकती है। रिलेशनशिप की वजह से जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। पार्टनर आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जोड़ों का दर्द या हड्डी संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। विदेश संबंधित कामकाज लाभ दे सकता है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, बाधाएं दूर हो सकती है। पुराना निवेश लाभ दे सकता है, अपचय की समस्या भी रह सकती है। चंदन और इत्र के कारोबारी को अनुकूलता मिल सकती है। पेट्रोकेमिकल पदार्थों के विक्रेताओं को अवसर भी मिल सकते हैं। महिला कारोबारी लाभ में रह सकते हैं। ब्लड शुगर परेशान कर सकता है। राशन सामग्री के सप्लायर अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। सेमी आउटडोर खेलों के खिलाड़ियों के लिए उपलब्धि वाला समय रह सकता है। परिजन की खास सहायता करनी पड़ सकती है। तनाव से बचें। अधिकारी आपसे खुश रह सकते हैं। कार्यस्थल खुशनुमा रह सकता है। अपने लक्ष्य से भटके नहीं, दूसरों के साथ अपनी गुप्त योजनाएं ना बांटें। सुस्ती का अधिकता भी रह सकती है। सावधानियां, कभी कभी थकान और बेचैनी की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपने सहन शक्ति को मजबूत रखें।
दूसरों की सेवाओं में चिंतित रहने से आप भी तनाव पाल लेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ हास परिहास तथा मनोरंजन के कामों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। सावधान रहे क्योंकि प्रेम के मामलों में आप धोखा खा सकते हैं। आज के दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। व्यावसायिक नुकसान के कारण आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है। एक छोटी और रोमांटिक यात्रा आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी। छोटे भाई बहन या किसी खास रिश्तेदार से सोशल मीडिया, पत्र या फोन के माध्यम से हुई बातचीत आपको खुश कर सकती है। आज आपका सारा काम अच्छे से बनेगा और अब समय आ गया है पार्टी का। इन पलों की सुंदरता आपको दूसरों की सेवा करने या खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। आपका जीवन साथी आपका मददगार है और वो आपकी हर संभव सहायता करेगा। जैसे भी हो उसे हर तरह से खास महसूस कर रहे। बात करते हैं करियर की। व्यापारी हैं तो आज व्यावसायिक परेशानी या धन का घाटा हो सकता है। सहकार्यकर्ता या छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी और प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सलाह पर गौर करें, लाभ होगा। करियर के लिए अपने संबंधों को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। आप चाहें या ना चाहें लेकिन आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। कड़ी मेहनत के बाद अब समय है कुछ देर सांस लेने और मजा करने का। ग्राहकों की सेवा करके आप उसके बारे में अधिक ग्राहकों और अपने बुजुर्गों की सेवा करें। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उसकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्यों में शामिल हो सकते हैं जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। व्यवसाय संबंधित लंबित तथा विवादित मुद्दों को निपटाने का अनुकूल समय है। साथ ही अपनी सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी बेहतरीन समय है। किसी बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। व्यवस्थित दिनचर्या तथा व्यवस्थित खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेगा। आपको वजन न बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आप पाएंगे कि अपने डाइट पर नियंत्रण के बावजूद आपको भारीपन महसूस हो रहा है और आप पर एक तरह का आलस छा जाएगा जिससे आप थका तथा अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर से अधिक मन की समस्या है। ध्यान तथा मन को एकाग्र करने के अन्य तरीकों से आप हल्का महसूस करेंगे। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।